हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं कोदो मिलेट से एक बहुत ही टेस्टी सा डिज़र्ट, जिसमें शक्कर भी नहीं है, दूध भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मीठी मीठी खीर बहुत टेस्टी लगती है। चाहे आप इसे गर्म खाएं, चाहे ठंडा ठंडा सर्व करें। इसके लिए मैंने हाफ कप कोदो लिया है, जिसे ओवरनाइट सोक करके लिया है। मिलेट्स बनाते समय हमेशा याद रखना है कि हमें मिलेट्स को 7 to 8 hours या फिर ओवरनाइट सोक करके ही यूज़ करना है। और मैंने 1 liter गन्ने का रस लिया है, और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुटी हुई इलायची और फ्रेश कोकोनट ग्रेट करके लिया हुआ है। अब मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली है, जिसमें मैं वो गन्ने का रस जो है वो डाल दूंगी, और हाई फ्लेम पर मैं इसे उबलने के लिए रख दूंगी। मिलेट्स बहुत हेल्दी होते हैं और मिलेट्स के फायदे आजकल सभी लोग जान चुके हैं, लेकिन यदि आप एक ही तरीके से कुक करके मिलेट को खाएंगे तो बोर हो जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट डिशेस जब हम ट्राई करते हैं और हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो सेटिस्फाई होते हैं, तो फिर हम इजीली मिलेट्स को अपने डेली फूड में इंक्लूड कर सकते हैं। और ये देखिए, जो गन्ने के रस की इम्प्योरिटीज है वो इस तरीके से फेस के रूप में ऊपर आ गई है, तो मैं उसे निकाल करके अलग कर दूंगी। और गन्ने के रस में अच्छा सा बॉयल आ चुका है, और भी जो इम्प्योरिटीज है वो भी मैं निकाल दूंगी। फेस सारा इसका हम निकाल देंगे, और जो हमारा भीगा हुआ कोदो मिलेट है वो पानी के संग ही हम इसमें डाल देंगे, और फिर इसे हम मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे, जब तक कि हमारा कोदो मिलेट अच्छे तरीके से कुक ना हो जाए। कोदो मिलेट कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन रिच है, साथ ही इसमें ढेर सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स भी हैं, और एक स्टडी में पता चला है कि ये type 2 diabetes को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। मिलेट खाने के वैसे भी बहुत ढेर सारे फायदे हैं, और ये देखिए मिलेट्स जो है, हमारा कोदो पक चुका है और इस समय हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं। हमने जो ग्रेट करके कोकोनट रखा हुआ है वो भी ऐड कर रहे हैं, और जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं काजू बादाम वो भी हम ऐड कर रहे हैं। आप अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। और अब फिर से हम इसको एक 5 minutes के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे, और उसके बाद में हमारी ये जो खीर है बड़ी ही इजी पीजी सी बनकर रेडी है। और फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहिए ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, और आपने मेरी रेसिपी देखी उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।